कोरोना से बचने वाली, आपको सावधान करने वाली ये बड़ी कवरेज लगातार आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। आगे आपको हर एक जानकारी बताएं, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे हिंदुस्तान में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक केस की शुरुआत के बाद कैसे ये मामले 110 तक पहुंच गए, सोचिए। 20 जनवरी और आज है 16 मार्च और धीरे धीरे ये ग्राफ बढ़ता ही चला गया। बहुत सरलता से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे एक के बाद 110 तक ये आंकड़ा पहुंचा, यानी सेंचुरी के पार। कोरोना के पीड़ितों की सेंचुरी हो चुकी है, 110 पहुंच चुके हैं मरीज और धीरे धीरे ये कहा जा रहा है। हालांकि जो 10 लोग ठीक हुए हैं उससे ये उम्मीद भी है कि रिकवरी भी होगी, इसलिए पैनिक भी मत होइए, लेकिन सावधानी बरतनी है, इसलिए लगातार आपको ये सारी डिटेल्स और ये जानकारी हम साझा कर रहे हैं। आजकल आपके मोबाइल फोन पर कोरोना वायरस को लेकर तरह तरह की वीडियोज आ रही हैं और उसे लेकर तरह तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आप तक पहुंचने वाली अफवाहों की जो रफ्तार है वो 5G की है और सच्चाई की रफ्तार है 2G की। और इसीलिए आज हम आपको कोरोना पर फैले भ्रम जाल को तोड़ेंगे। जरूरत है सिर्फ सावधानी की ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके, और ऐसी ही कई सावधानियां आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, ये आपके लिए है। तो सबसे पहले डॉक्टर की सुनो, अफवाहों से बचो। तो चलिए आपको कोरोना पर फैले भ्रम को दूर करने वाली पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है। वो अपनी यात्रा लंबी से लंबी करना चाहता है, ज्यादा दूरी तक अपने सफर को तय करना चाहता है, और यही उस कोरोना वायरस का मकसद है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले। लेकिन आपका मकसद है, आपका मिशन है कोरोना वायरस की उस यात्रा पर ब्रेक लगाना, कुछ ऐसा। इस वक्त दुनिया को खतरा किसी प्रलय या परमाणु हथियार से नहीं बल्कि एक वायरस से है। सतर्कता और सावधानी से कोरोना वायरस की लंबी चल रही यात्रा पर पूर्ण विराम लगाया जा सकता है। अगर इस वायरस को रोकने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए जाएं, तो इसे हराया भी जा सकता है। कोरोना से बचने का सुरक्षा कवच अलर्टनेस और सावधानी है, और हम अपने सफर में कोरोना पर फैलाए जा रहे भ्रम और इसके मिथक को तोड़ेंगे। आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सबसे जरूरी बात है। घर से निकलते हैं तो दो अलग अलग कैटेगरीज हैं आपके काम की, एक है अनअवॉइडेबल और दूसरा है अवॉइडेबल। सबसे पहले हम अवॉइडेबल की बात कर लेते हैं। कुछ चीजों को अगर आप कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें, कैंसिल कर दें, रिशेड्यूल कर लें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अवॉइडेबल चीजें हैं, जैसे कि परिवार के साथ मार्केट प्लेस में जाना है, कहीं दुकान में जाना है, मॉल्स में जाना है, सिनेमा हॉल में जाना है, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना है, वहां परिवार के साथ या फिर खुद अकेले भी अगर बहुत जरूरी ना हो तो ना जाएं, और परिवार को लेके तो कतई ना जाएं। क्योंकि देखिए, आपको मालूम है अगर इस तरह का खतरा आपके आसपास है, आपके करीब है, तो उसमें अगर आप अवॉइड कर सकते हैं कुछ चीजों को जो गैर जरूरी है, जो उस वक्त बहुत जरूरी नहीं है, तो उन सारी चीजों को आप उस वक्त अवॉइड कर सकते हैं। और उसमें यह है कि आप अपने परिवार के साथ या खुद भी अकेले ऐसी जगहों पर या ऐसी चीजों के लिए ना निकले जो इस वक्त जरूरी नहीं है, जो कुछ दिनों के लिए टाली जा सकती है, इसका जरूर ध्यान रखें। और दूसरी कैटेगरी है अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल क्या है? अब रोज सब्जी लानी है, किराना का सामान लाना है, दवाई लानी है, दफ्तर जाना है, मेट्रो में ट्रेवल करना है, बसेस में ट्रेवल करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करना है, ट्रेन में ट्रेवल करना है, क्योंकि बहुत जरूरी है, तो इन सभी चीजों को आप अनअवॉइडेबल की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये सब जब आप करते हैं तो इन सभी चीजों को, क्योंकि दैनिक जीवन आगे बढ़ना है, रोज का एक दिन आगे बढ़ना है, और उसमें दिनचर्या तो चलती रहेगी क्योंकि जीवन चलना है, तो जब जीवन चलना है तो ये सारी चीजें अनअवॉइडेबल हैं, इसको आप नहीं टाल सकते हैं, ये जरूरी चीजें हैं, गैर जरूरी नहीं है। तो इन सभी चीजों को करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है उसको आज जरूर समझिएगा, और उसको समझाने का हमारा मकसद यह है कि आपका जीवन ऐसे ही अनवरत आगे बढ़ता जाए, आप कोरोना वायरस को से लड़ाई करके उसको हराएं, और आपकी दिनचर्या भी ना रुके, आपका जीवन भी ना रुके, आपका जीवन भी एक एक दिन करके चलता रहे। कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ तैयारी हर ओर दिख रही है। शहर शहर इस वायरस के मुकाबले के लिए तैयार है। कोरोना को मात देने के लिए हम अपने सफर में एक क्रिकेट ग्राउंड पर पहुंचे, वहां हमने जो देखा वो चिंतित करने वाला था। देखिए, इस जगह पे रुक के कुछ चीजें आपको समझानी और बतानी जरूरी है, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ आपको दिखाते हुए ये बताऊंगा तो अच्छा होगा।
देखिए सरकार ने अपनी एडवाइजरी में ये कहा है कि जो चीज़ें आप टाल सकते हैं, जिसको पोस्टपोन कर सकते हैं, जिसको रीशेड्यूल कर सकते हैं, उसको आप रीशेड्यूल कर लीजिए, फिलहाल उसको मत करिए। अब ये क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, लोग यहाँ जमा हैं, देखने वाले भी हैं, खेलने वाले भी हैं, अगर ऐसा आप भी कुछ प्लान कर रहे हैं तो सलाह ये है कि इसको आप रीशेड्यूल कर लीजिए, इसको पोस्टपोन कर लीजिए। क्योंकि देखिए सरकार अगर कोई एडवाइजरी तैयार करती है, सरकार ने कोरोना को लेकर जो एडवाइजरी तैयार की है उसमें बहुत चिंतन और मनन के बाद वो चीज़ें तय होती हैं। तो सरकार जब एडवाइजरी बनाती है तो उसमें डॉक्टर्स होते हैं, उसमें जो रणनीतिकार होते हैं इस देश के वो होते हैं, मंत्रालयों के लोग होते हैं, और उसको बहुत सोच समझ के तैयार किया जाता है। और उस एडवाइजरी में सरकार ने यह साफ कहा है कि जो चीज़ें आप अभी अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि अब छुट्टी का दिन है, आप अभी अवॉइड कीजिए इसको, छुट्टी के दिन अपने परिवार के साथ रहिए, वो ज्यादा अच्छा है। भारत के सिस्टम ने पूरी ताकत लगा दी कि कोरोना वायरस आप तक ना पहुंच पाए, लेकिन दिक्कत यह है कि आप तक पहुंचने वाली अफवाहों की रफ्तार 5G से भी तेज है और सच्चाई की रफ्तार 2G जैसी है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि आपको सही और सटीक जानकारी दी जाए। क्या कोरोना वायरस गर्म पानी के नहाने से खत्म होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एक अवधारणा बनी हुई, गर्म पानी के नहाने से कोरोना वायरस खत्म होता है। मेन है अगर हाथ में कोरोना वायरस लगा हुआ है, इसके थ्रू आपके शरीर के अंदर जाएगा तो उसमें आपको इन्फेक्शन का खतरा है। डॉक्टर साहब, एक व्हाट्सएप मैसेज मैंने बहुत बार देखा और वो ये था कि शराब पीने वालों को कोरोना वायरस नहीं पकड़ेगा या कोरोना वायरस उनके शरीर तक नहीं पहुंचेगा, सच है ये? सोशल ट्रेंडिंग मैसेज है जिसमें देखा गया अल्कोहल अगर सैनिटाइजर का काम करता है तो अल्कोहल पी लेने से कोरोना वायरस मर जाएगा। इस ऐसा कोई रिसर्च नहीं है, ये मिथ है, अवधारणा है। महामारी घोषित हो चुके इस वायरस के खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे हम अपनी सूझबूझ और बचाव के कुछ खास टिप्स अपना कर इसके खतरे को कम कर सकते हैं। देखिए मार्केट प्लेसेस में या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आप सीढ़ियों का भी इस्तेमाल करते हैं। आप जब जाते हैं ऐसी जगहों पे तो सीढ़ियों के इस्तेमाल के दौरान ये हैंड रेलिंग होती है और इस हैंड रेलिंग को पकड़ के आप चढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए इस मार्केट प्लेस में हूँ मैं और मुझे फर्स्ट फ्लोर जाना है, इस दौरान भी आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि आप इस हैंड रेलिंग का ऐसे इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसे ही पकड़ के चढ़ते हैं आप। जब आप अपने डेस्टिनेशन पे, जैसे मान लीजिए मुझे फर्स्ट फ्लोर आना था, मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ आने के बाद जो पहली चीज़ आपको करनी है वो ये कि जेब में, और इसलिए मैं कह रहा हूँ लगातार, एक हैंड सैनिटाइजर आपके पास हमेशा होना चाहिए। जैसे ही आप ऊपर पहुंचे, जेब से आपने सैनिटाइजर निकाला, सैनिटाइजर को अपने हाथ में लिया, और उसके बाद अगर कोई इन्फेक्शन इस हैंड रेलिंग में है, कोई इन्फेक्शन अगर ये हैंड रेलिंग कैरी कर रहा है, कोई कॉन्टामिनेशन इस हैंड रेलिंग वाले हिस्से में है जो आपके हाथों तक पहुंच गया है, तो वैसी स्थिति में सैनिटाइजर तुरंत लगाइए। और उसके बाद फिर जैसा मैंने आपको बताया था, 10 से 15 सेकंड के लिए ऐसे हाथ को हवा में छोड़िए और उसके बाद हवा में ही इस सैनिटाइजर को सूखने दीजिए। यानी कि यहाँ एक चीज और, जब आप ऐसे किसी भी जगह में अपने हाथ को रखते हैं, हाथ का इस्तेमाल, चाहे वो लिफ्ट का बटन हो, चाहे वो इस तरह की सीढ़ियां हो, जहां लोगों का आना जाना अनवरत जारी है, जहां लोगों का आना जाना कभी बंद नहीं होता क्योंकि वहां भीड़ भाड़ हमेशा होती है, वैसी जगहों पर इस बात का ध्यान रखना आपका बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से स्कूल बंद हैं, थिएटर बंद हैं, मॉल बंद हैं, बाजार खाली पड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसी जरूरतें हैं जिसके लिए घर से निकलना और बाजार जाना आपकी मजबूरी होगी। ऐसे में आपको चिंतित नहीं होना चाहिए बल्कि इस वायरस से बचने की कोशिशों पर ध्यान देना चाहिए। पहले मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, हाँ इतना जरूर है कि आप जहां भी जिस भी दुकान पे जा रहे हैं, चाहे आप किसी दवा की दुकान में जा रहे हैं, किराने की दुकान में जा रहे हैं, अपनी ज़रूरत की कोई चीज़ लेने के लिए जा रहे हैं, वैसी दुकान को एक बार जब वहां पहुंचते हैं तो वहां जो लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, जो ग्राहक वहां पर हैं, जो आप जैसे ही साथी कस्टमर्स वहां जो मौजूद हैं, वो उनको एक बार ज़रूर देख लीजिए। उसमें से अगर कोई व्यक्ति आपको स्नीज करता हुआ, छींकता हुआ दिख रहा है, कोई व्यक्ति कफ करता हुआ या खांसता हुआ दिख रहा है, तो आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। तो जेब में एक मास्क रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा कि उसको पहन के चलने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन आप किसी शॉप में अगर जा रहे हैं और वहाँ अगर भीड़भाड़ ज़्यादा है, वहाँ लोग ज़्यादा हैं, वहाँ अलग अलग तरह के जो लोग पहुँचे हैं वो कहाँ से पहुँचे हैं और कौन अपने साथ कॉन्टामिनेशन कैरी कर रहा है, कौन अपने साथ इन्फेक्शन कैरी कर रहा है, इसको आप नहीं जानते। और वैसी स्थिति में आप एक बार देख के, पहली बार होता है कि आप एक बार
जब देखते हैं उस क्राउड को, उसमें आपको पता चल जाता है कि उस व्यक्ति की तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, या वो व्यक्ति खांस रहा है, छींक रहा है, या उसको खांसी आ रही है, वैसी स्थिति में आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। और वैसे में आपको उस वक्त उस दुकान में प्रवेश करने से पहले उस मास्क को पहन लेना। कोरोना को लेकर भारत भी मुस्तैद है। तेजी से पैर पसारती इस महामारी से भारत ही नहीं, पूरी दुनिया आर पार की लड़ाई लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।